नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे, लामबंद करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ममता बनर्जी के एक बयान ने ऊर्जा दी है। जेडीयू के इस अभियान को या महागठबंधन के इस अभियान को और ऊर्जा मिली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के एक बयान से। दरअसल ममता बनर्जी ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सब लोग साथ आ जाएंगे, विपक्ष एकजुट हो जाएगा, बीजेपी कैसे अपनी सरकार बना लेगी। विपक्षी एकजुटता को लेकर ममता बनर्जी का दिया गया यह बयान एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हौसले को बढ़ाने वाला है और जेडीयू काफी गदगद है ममता बनर्जी के इस बयान से। तो ममता बनर्जी ने जो कहा उसको लेकर जेडीयू गदगद है और इसी उत्साह में एक बयान जेडीयू की तरफ से भी आया है। जेडीयू कोटे से सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता माने जाते हैं विजय कुमार चौधरी। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष अपनी महत्वाकांक्षा, अपना स्वार्थ त्याग दे, दूसरे दल अपना स्वार्थ त्याग दें, तो विजय चौधरी ने कहा है कि अगर दूसरे दल, विपक्ष के दूसरे दल अगर अपना स्वार्थ त्याग दें तो बीजेपी को हराया जा सकता है और 2024 बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। विपक्ष एकजुट होकर अगर बीजेपी का मुकाबला करे तो फिर विपक्ष का जो अभियान है वो कारगर साबित होगा, सभी दलों को अपना स्वार्थ त्यागना होगा। ममता बनर्जी के इस बयान से जेडीयू को कितना हौसला मिला है ये बताने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, या यूं कहें कि विपक्षी एकजुटता का जो अभियान है वो बिहार से ही शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के दिल्ली दौरे से वापस पटना लौटे हैं और अपने दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि ये जरूर है कि कुछ विपक्षी नेताओं ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कुछ के साथ जो मुलाकात हुई वो बेहद गर्मजोशी के साथ हुई है। राहुल गांधी से भी मुलाकात, ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात, अखिलेश यादव से मुलाकात, डी राजा से मुलाकात, सीताराम येचुरी से मुलाकात, शरद यादव से मुलाकात, शरद पवार से मुलाकात, तो बड़े बड़े नेताओं से मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटे हैं। अब तेजस्वी यादव विपक्ष के नेताओं से मिलने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो कोशिश है वो रंग लाती हुई दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी अब नीतीश कुमार का सपोर्ट कर दिया है और साफ तौर पर एक साथ आने की बात कही है। और इसी उत्साह में जेडीयू की तरफ से ये बयान, मंत्री विजय चौधरी की तरफ से बयान, विपक्षी दल अगर स्वार्थ छोड़ दें तो बीजेपी की राह 2024 में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।